Hello everyone, students. Today we are going to start a new poem, that is class discussion. So the poem is, in the class discussion, Jane, you hardly said a word. We all heard our opinions, but from you we barely heard. You sat and stared in silence, surrounded by the chatter. Now tell me, Jan, and please be plain, is there anything the matter? Jan looked up and then she spoke. Her voice was clear and low. There are many people in this world who are rather quiet, you know. So here is the poem class discussion. क्लास डिस्कशन क्या होता है बच्चे, जो क्लास में बच्चे डिस्कस करते हैं या टीचर्स के साथ कुछ डिस्कशन होती है. सो तो इसमें टीचर है, टीचर एक स्टूडेंट है जैन. जैन से क्या कहती है, इन द क्लास डिस्कशन जैन यू हार्डली सेड अ वर्ड. कि जब भी कोई क्लास डिस्कशन होती है, यू हार्डली सेड अ वर्ड, कि तुम कुछ, शायद ही तुम कुछ कोई वर्ड कहती हो. कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास में बहुत ही कम बोलते हैं या बहुत ही कम रिस्पॉन्स देते हैं. तो जैन है उनमें से एक. वी ऑल एयर्ड आर ओपिनियन बट फ्रॉम यू वी बेयरली हर्ड. कि हम सब अपने ओपिनियन शेयर करते हैं, हाँ, बट फ्रॉम यू वी बेयरली हर्ड, लेकिन तुमसे तो कुछ भी सुनाई नहीं देता. यू सेट एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस सराउंडेड बाय द चैटर. कि तुम कैसे चुप करके बिल्कुल बैठी रहती हो जबकि तुम्हारे चारों तरफ, सराउंडेड बाय द चैटर. चैटर होता है बहुत ज़्यादा आवाज़ होना, ये सब कुछ 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 बोलते रहते हैं, लेकिन तुम जो है बिल्कुल ही शांत चुप करके बैठे रहती हो. नाउ टेल मी जैन एंड प्लीज़ बी प्लेन, इज़ देयर एनीथिंग द मैटर. तो अब टीचर उसे पूछती है कि टेल मी व्हाट इज़ द मैटर. सो जैन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक. जैन ने ऊपर देखा और क्या बोला, हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो. उसकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर थी बट लो, बहुत ही धीरे बोला उसने. देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रेदर क्वाइट, यू नो. कि उसने क्या कहा कि इस पूरे वर्ल्ड में बहुत से लोग हैं जो कि ज़्यादातर चुप रहते हैं, क्या आपको पता है? ओके, so today you have to read this poem and do this poem in your English notebook if you have not done it, okay?